भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने जशपुर जिले के कुनकुरी में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवारों का आशियाना कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छीनने का काम किया है। राज्य में हमारी सरकार बनने पर सबसे पहले आवास देने का पहला काम सिग्नेचर कर प्रधानमंत्री आवास 16 लाख गरीबों को देकर किया जाएगा। सभा के बाद नितिन नबीन ने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में आवास मिल रहा है, उसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार में आवास मिल रहा है, लेकिन आपने केवल रोड़ा अटकाने का काम किया। चूंकि आपके चेहरे नहीं चमक रहे थे, इसलिए आपने उस योजना को लटका दिया। आने दीजिए, अभी तो मैंने शराब का जो करना तो ना, अब बोलने का तरीका ये आप कब आएंगे? अरे कार्यक्रम में आएंगे, ऐसे किसी की बात नहीं। तो कह रहा हूँ कि महंगाई के विषय में इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम किया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 18 रुपए सब्सिडी दिया, आज छत्तीसगढ़ ने 1 रुपया का दिया, सभी राज्य सरकारों ने 8-8 रुपया का दिया। तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नहीं गरीब के लिए 8 रुपया का भी कम से कम सब्सिडी? राजस्थान में 8 रुपया का मिला, झारखंड में मिला, बिहार में मिला, तो यहाँ की सरकार ने क्यों नहीं इसको कम किया? अब तो ये तो नंद कुमार साय जी ने बताएंगे। 2023 में 15 मार्च को नंद कुमार साय जी ने क्या कहा था? कहा था ना कि जो गरीब का आशियाना छीना है उसको हम भारत कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से मुक्त कर देंगे, नहीं तो अपना, आपने भी सुना था। तो मार्च में उन्होंने कहा और पिछले 2 महीने में कौन सी मजबूरी आ गई? आप नहीं सुने हैं तो मन से उन्होंने, अरे मन से उसने कहा, मैं भी था भैया मेरे।